दोस्तों सोशल मीडिया में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी एक दिन में किस्मत बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ है दिल्ली के बुजुर्ग दंपति के साथ, जिनका एक बाबा का ढाबा के नाम से छोटा सा ढाबा है और वो पिछले 30 साल से ढाबा चला रहे हैं। दोस्तों किसी ने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, उसमें उनसे पूछा गया था कि आप कितना कमा लेते हैं, तो वो बाबा कहते हैं कि अब हमारी कमाई कुछ भी नहीं होती है, महज 4 घंटे में 50 रुपए तक की कमाई होती है, और रोने लग जाते हैं। बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई, मटर पनीर की बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा। तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हुआ कि आज उनकी मदद करने के लिए हर कोई तैयार है। दोस्तों जहां कल तक बाबा का ढाबा पे कोई दिखाई नहीं देता था, आज उस ढाबे पे भीड़ जमा हो गई है और सब उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और दोस्तों मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती ने यह वीडियो देखा तो वह भी इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए बाबा की मदद के लिए ढाबे पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, रणदीप हुड्डा, रवीना टंडन, सौरा भास्कर, सुनील शेट्टी जैसे फिल्म स्टार्स भी बाबा के वीडियो को देखकर भावुक हो गए और इसे रीट्वीट करते हुए लोगों से बाबा का ढाबा पर जाने की अपील की। दोस्तों बाबा से पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो ढाबा मालिक कांता प्रसाद जी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उनकी कोई बिक्री नहीं हुई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरा भारत हमारे साथ है। दोस्तों बाबा का ढाबा काफी ज्यादा फेमस हो गया है और दोनों बुजुर्ग दंपति काफी खुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों सोशल मीडिया में बहुत पावर है, इसका उपयोग ऐसे ही अच्छे कामों के लिए करें और ऐसे ही ट्रेंडिंग अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।